बीच रास्ते में पुलिस वाले पकड़ रहे थे और हम बिना हेलमेट के निकल गए थे। आज का सीन कुछ जैसे कि आज हम जाने वाले हैं मंदिर में, कौन से मंदिर में, कहां पर मंदिर में, वो सब आपको आगे जाके पता चल ही जाएगा। तो ज्यादा भाव नहीं खाते हुए, सिनेमैटिक अंदाज नहीं पर मोटू व्लॉगिंग अंदाज में लेट्स गो निकलते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों आज का सीन कुछ जैसे कि आज हम आपको लेके जाने वाले हैं मंदिर में, डांग के अंदर। डांग के अंदर मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वांसदा और डांग के मीड में आता है, मतलब वांसदा और डांग के सीमाड़े पे, मतलब और दूसरा वो बॉर्डर बोला जाए तो क्या बोलूँ मैं, बॉर्डर पर, ओके बॉर्डर पर आया हुआ है। तो आप शायद से समझ गए होंगे, जो वांसदा और डांग के आसपास वाले होंगे उनको पता चल गया होगा कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो वांसदा और डांग के बॉर्डर पर आया हुआ है। और हाँ, वैसे मंदिर में हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं मिस्टर ए के व्लॉग्स और उनके दोस्त शायद से। अरे हाँ यार गाइस, सीन को जैसे रखे ना कि हमारे ब्रेक पैड आगे वाले ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके, तो अभी हम थोड़े से ईमानदारी के साथ बाइक चलाएंगे और ब्रेक भी ईमानदारी के साथ मारेंगे। तो गाइस फिलहाल का सीन कुछ जैसे कि हम लोग उमर को ही पहुँच चुके हैं पर अभी तक हमारे बंदे आए नहीं हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइस तकरीबन 15 मिनट हो चुकी पर अभी तक हमारे बंदे नहीं आए। यहाँ पर हमारा एक दोस्त मिल गया है तो उसके साथ बातें कर रहे हैं हम, पर अभी तक हमारे बंदों का कुछ अता पता है या नहीं। तो दोस्तों तकरीबन 20 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पर हमारे मिस्टर ए के व्लॉग्स और उनके फ्रेंड आ चुके हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मिस्टर ए के व्लॉग्स के साथ साथ हम लोग निकल चुके हैं वघई की ओर। और हाँ, मिस्टर ए के व्लॉग्स की और एक गाड़ी आई है उनके साथ, पर वो आगे निकल गई ऐसे बोल रहे हैं। तो टोटल हम 3 गाड़ी लेके जा रहे हैं वघई। वघई में हम जा रहे हैं, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। और ये दोस्तों बातों ही बातों में सिनेमैटिक अंदाजों में हम आ चुके हैं हनुमान बारी सर्कल, यू कहे तो वांसदा चौकड़ी, ठीक है। ओके, तो दोस्तों फिलहाल का सीन कुछ जैसे कि हम लोग आ रखे हैं खेतलापट्टी स्टोर थोड़ा सा टी ब्रेक के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर मिस्टर ए के व्लॉग्स और उनके दोस्त, हम पांचों जाने वाले हैं मस्त तरीके से वघई, और मस्त तरीके से आपको मजबूत वाला सीन देखने को मिल जाएगा वघई। जग कोई कड़ी होई गल ना, अखा बंद करके मुसीबतों के हल ना, कम करो सोचा छड़ो आस रखो पर वाइडर ते रोटी ओ भी खांदा जड़ा पिया ए डिवाइडर ते, हौली हौली हासिल मुकाम हुंदा आ, हौली हौली मेहनत ना नाम हुंदा आ, पहला पहला हर बंदा आम हुंदा आ, दुनियादारी चो जो तराश बन दे अपने ते रख विश्वास बन दे, होए आम जहे मुंडे भी ने खास बन दे, आम जहे मुंडे भी ने खास बन दे, असी आम जहे मुंडे ही जो खास बन दे। हाँ दोस्तों, मैं जो बोल रहा था वांसदा नेशनल पार्क, यहाँ से जा सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ से। और हम जिस मंदिर के लिए आए हैं इतनी दूर से, वहाँ पर यहाँ से जा सकते हैं राइट की ओर। ओके, तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हमारी मेन डेस्टिनेशन पर। ओके ओके, तो दोस्तों फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं तड़केश्वर हनुमान जी टेम्पल वघई। वघई या वांसदा में पड़ता है ये? वघई 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 में पड़ता है। ओके, और ज़्यादा भाव नहीं खाएंगे, पहले सबसे पहले हम पूजा करेंगे, उसके बाद आपको पूजा कराएंगे और फिर दूसरे मिशन की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो दोस्तों अभी अभी जस्ट नाउ हमने पूजा कर ली है और अब नेक्स्ट मिशन, और कौन सा मिशन है वो आपको बता देते हैं। हम रास्ते में आ रहे थे, मिस्टर के ब्लॉक्स ने बोला कि वहाँ जाके कुछ खिचड़ी विचड़ी करते हैं। मैंने बोला खिचड़ी विचड़ी, तो फिर उन्होंने बोला कि हम तो बर्तन लेके ही आए हैं कुछ बनाने के लिए। तो फिर हमने सोचा कि खिचड़ी में तो ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, मैगी वाला सीन करते हैं। तो फिलहाल हम मैगी वाला सीन करने के लिए अब देखते हैं कहाँ पर जाते हैं, बट मैगी वाला सीन आपको देखने को मिलेगा रिवर साइड पे। छोड़ू हाथ
ओके तो दोस्तों सीन कुछ ऐसे था कि हम जा रहे थे मैगी लेने के लिए दुकान, बट बीच रास्ते में पुलिस वाले पकड़ रहे थे और हम बिना हेलमेट के निकल गए थे। तो अभी फिर से हम रिटर्न आके हेलमेट पहन के जा रहे हैं, पर पुलिस वालों ने हमें देखा होगा तो शायद से रोक भी सकते हैं कि भाई क्यों पीछे मुड़ के चले गए थे, ऐसे पूछ भी सकते हैं। देखते हैं हमें रोकते कि नहीं रोकते, तो फिर क्या क्या मांगते हैं। वैसे सब डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मिशन सक्सेसफुल। अभी हम मैगी के मिशन के लिए जाएंगे, मैगी लेके हम आ चुके हैं। वैसे हम खाने वाले थे इसी नदी किनारे कहीं पर बैठ के मस्त से बनाकर, पर सीन कुछ ऐसे रखे ना कि वहाँ पर ना मयत लाया गया है, मतलब किसी को अभी जलाएंगे तो थोड़ा सही नहीं रहेगा। भाई ये टायर जो मैंने नया डाला है ना, एक नंबर मक्खन टायर है, मतलब कंकर वगैरह में भी इतना स्लिप नहीं होता है। इतना मतलब अभी तक मेरे को मतलब कभी ऐसा डराने की कोशिश भी नहीं करी इसने, ऐसा सीन है। और हाँ, ये टायर डलवाने गया था तब मैंने व्लॉग बनाया था, पर वो थोड़ा सा कमज़ोर सा बना था, पर अगर ऐसा लगे तो मैं वो भी चिपका दूंगा इस वीडियो के बाद। तो गाइस हम थोड़े से पीछे जा रहे हैं फिर से, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन सी दिखी थी। भाई साहब यहाँ पर भी शमशान है, बट वहाँ पर जो पेड़ है वहाँ पर मुझे मस्त वाली लोकेशन लग रही है। हम पहुंच चुके हैं मस्त वाले लोकेशन पे। हेरा पड़ खेरा बसे चुनी माँ सुनना लाई तिम्रो त्यो बोली सुना मेरा ही भावना यो माया नै हो कि मेरो सारा माया तिमीलाई नै छ तिम्रो मुस्कानमा हराइसके खुसी छु तिम्रो साथ पाएर नछोड्नु है यो हात। ओके तो दोस्तों मैगी वाला सीन कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल का सीन कुछ जैसे कि पूरा सामान समेट के पूरा कचरा इकट्ठा करके बैग के अंदर रख के फिलहाल हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो दोस्तों ऐसा ही कुछ सीन था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, सपोर्ट तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द और एक नए ब्लॉग के साथ। यो